एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, है ना। एक्चुअली मैं 2-3 दिन से बहुत ज्यादा बीमार थी। सो अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ, बहुत ज्यादा बेटर फील कर रही हूँ, है ना। बहुत अच्छा, एक अच्छी वाइब्स आ रही है। सो मैंने सोचा यार आज मैं ऐसे ही रूम पे हूँ। सो मैंने सोचा कि यार एक वीडियो बनाते हैं, है ना। काफी टाइम हो गया था वैसे भी यूट्यूब फैमिली से, मतलब यूट्यूब फैमिली तो क्या, मतलब वीडियो ही नहीं बनाई है ना ही अपलोड करी है। बहुत टाइम के बाद मैं ऐसे कैमरा पकड़ रही हूँ और वीडियो बना रही हूँ। सो यहाँ पे मैं सो सो के ना ज्यादा ही बोर हो गई थी। मतलब अगर बंदा सोता रहता है ना जब वो बीमार होता, तो वो और ज्यादा बीमार पड़ जाता है। तो मैंने सोचा यार आज अगर मैं ऐसे ही सोई रही, लेटी रही, तो मैं मतलब और ज्यादा बीमार पड़ जाऊंगी। तो मैं अभी बस नहा धो के बाहर आई और अभी मेरा मूड सडनली चेंज हुआ कि यार चलो कहीं चलते हैं। सो मैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करने जाऊंगी और साथ में एक नेचर के साथ, मतलब अच्छे से वहां पे पॉजिटिव वाइब्स आएगी। जब मैं नेचर के साथ जाती हूँ ना, मेरा पहले से मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने अगर मेरे पहले वाले ब्लॉग्स भी देखे होंगे, उसमें भी मैंने नेचर को कभी ना कभी तो दिखाया ही होगा। सो अभी मैं बस रेडी शेडी होंगी एंड देन हम जाएंगे। हम तो क्या, मैं जाऊंगी, हम तो कोई नहीं। मेरे को यहाँ पे मतलब मेरे सारे के सारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, है ना, वो सारे के सारे ना मेरे करसोग में है। यहाँ पे मैं मतलब मेरे क्लासमेट हैं, एक दो पढ़ते हैं, लड़के हैं, बट लड़कियां यहाँ पे मेरी सारी की सारी क्लोज फ्रेंड करसोग भी है। सो मेरे को यहाँ पे बहुत बहुत ज्यादा ऐसा भी होता है कभी कभी ना, कि ऐसे अकेलापन फील होता है। यार मेरे सारे फ्रेंड्स उधर हैं, मैं इधर हूँ, बट आपको पता ही है गाइस, सभी को लाइफ में अगर कुछ करना है तो आपको घर से दूर तो निकलना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोग आते हैं, कोई स्टडी करने के लिए बाहर आता है, ठीक है, घर से बाहर निकलता है, तो कोई करियर बन, बहुत सारी चीजें होती है। सो अभी मैं फटाफट से रेडी होती हूँ एंड देन मिलते हैं गाइस। सो मैं फाइनली अभी रेडी हो गई हूँ एंड अभी थोड़ी देर के बाद, 2-3 मिनट के बाद निकलेंगे। ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, यहीं पे जाऊंगी पास जैसे, जहां से मैं कुछ कैप्चर भी कर सकूँ और मेरा माइंड भी फ्रेश हो जाए और मेरी बॉडी भी एक अच्छा फील करे, ताकि मैं जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाऊं और दोबारा से अपने करियर के ऊपर फोकस कर पाऊँ। मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ गाइज, इसीलिए मेरी कोई भी वीडियो नहीं आती है ना। पर लाइफ में अप एंड डाउन तो आते ही रहते हैं, वो तो हर किसी को पता है। सो बस अभी मैं कैप भी डालूंगी, आप मुझे बताना कैसी लग रही है। गाइज मैं ये वाली कैप डाल रही हूँ, आप मुझे बताना कैसी लग रही है। अगर तो ठीक लग रही है तब मैं डाल के जाऊंगी, अदरवाइज कोई इश्यू नहीं है। जब मुझे लगेगा कि मुझे कैप डालनी चाहिए, धूप लगेगी, तब मैं डालूंगी, अदरवाइज मैं ऐसे ही रखूंगी उठा के, ठीक है। अभी मैं ये ट्राई कर रही हूँ, आज मैं फर्स्ट टाइम ऐसे डालूंगी। मैं कौन सा पहनूं मुझे समझ नहीं आ रहा, पर मैं ये वाला ट्राई कर रही हूँ, देखते हैं कैसा लगता है। वैसे मैंने आज से पहले कभी भी गाइज ट्राई नहीं की है, बट मैं फर्स्ट टाइम डालने जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कैसे लग रहे हैं। मेरा सेकंड वाला, रुक जाओ, इसका पार्ट ढूंढते हैं। बताओ गाइस कैसा लग रहा है। अभी सेकंड वाला पहनती हूँ। अब बताओ गाइस कैसे लग रही हूँ। गाइस ठीक लग रहा है। आज मैं फर्स्ट टाइम ऐसे ही जा रही हूँ, मतलब रेडी होके। मैं आज से पहले कभी भी ऐसे नहीं गई हूँ। मैं छोटी छोटी इयररिंग्स पहनती हूँ, बताती हूँ अभी कितने कितने, इतने 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 सारे ये पहनती हूँ। और यहाँ पे गाइज मुझे पिंपल हो गया, बुरी तरीके वाला, बड़ा ही हो गया। सो अभी मैं पूरी की पूरी रेडी हो गई हूँ, अब मैंने बस सैंडल डालने हैं एंड मैंने फिर चले जाना है। अभी ये तो लगाना मैं भूल ही गई, अभी लगाती हूँ। गाइज मैं जितनी भी सारी चीजें कर रही हूँ फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, कभी कभी ना हमें खुद के लिए रेडी होना चाहिए। क्यों हम, है ना, मोस्ट ऑफ टाइम हम ये सोचते हैं कि यार किसने रेडी होना, बट मैं आज फुल रेडी होना चाहती हूँ। एक तो गाइज मैं सच बता रही हूँ, मुझे लगाना भी नहीं आता है, बट चलो आई विल ट्राई माई बेस्ट। वन साइड डन एंड नाउ सेकेंड साइड,
इस वाली साइड करते हैं, मुझे नहीं आता लगाना, प्लीज डोंट माइंड। गाइज मैंने ना अपनी बहन को देखा है ऐसे रेडी होते हुए। मैं तो रेडी नहीं होती हूँ ऐसे, मतलब मैं तो शादी के लिए भी ऐसे रेडी नहीं हुई हूँ, बट आज हो रही हूँ। पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है, क्योंकि मैं 2-3 दिन से बिस्तर में ही पड़ी थी, इसीलिए मेरा मन है आज कि मैं अच्छे से रेडी होके जाऊँ। सो चलो ये भी डन हो गया। अब थोड़ी सी मैं लिपस्टिक भी बहुत कम यूज करती हूँ, बट आज कर रही हूँ। लो लिपस्टिक पे लग गई, एंड अब चलते हैं शूज की ओर। शूज में पहनूंगी मैं सैंडल, एंड देन फिर लेट्स गो फॉर आउटसाइड। They told me that I always had to be good, but being good always be problems, it's true, darling. चलते हैं, लेट्स गो। मुझे पता क्या लगता है, जब मैं ऐसी इयररिंग्स डालती हूँ कि मैं चुड़ैल से कम नहीं लगती हूँ, इसीलिए मैं ऐसी इयररिंग्स कभी डालती ही नहीं हूँ। बहुत रेयर चांसेस मैं ऐसी इयररिंग्स डालती हूँ। चलो शुक्र है इसी बहाने मेरे बाल भी सूख जाएंगे, और अभी तो मैं यहाँ से घूमते हुए जाऊँगी, थोड़ी देर बैठूंगी, माइंड को रिलैक्स करूँगी, एंड देन फिर रूम चले जाऊँगी। और आपको भी बताती रहूँगी जहाँ पे रुकूंगी, कि बैठूंगी कि नहीं बैठूंगी, कि सीधा सीधा चलती रहूंगी एंड अपने रूम की ओर फिर ऊपर से चलती जाऊंगी। सो लेट्स सी, देखते हैं। शांति है गाइस, शांति शांति। एकदम सुकून। फ्रेश करके अब मैं चल पड़ी हूँ वापस रूम को, एंड वापस होके अगर मैं सच बात बताऊँ ना, मैं चल चल के थक जाती हूँ बहुत जल्दी। यार ये वाले ना डैजी कौन से फ्लावर्स हैं, मुझे बड़े प्रीटी लगते हैं। मेरी बेस्ट फ्रेंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे उतने नहीं है, बट हाँ फिर भी वो इतना बोल रही थी इतने सुंदर तो मेरे को भी सुंदर ही लग गए। मैं तो गिर ही जाऊँगी, कैमरे को ही देखती रहेगी। ये देखो बहुत सारे लगे हैं, मैं ना थक जाती हूँ बहुत जल्दी। बस अब मैंने जल्दी से जल्दी रूम पे पहुँचना है। वैसे मैं उधर रुकी थी थोड़ी टाइम के लिए, इधर उधर व्यू को एंजॉय किया। व्यू तो क्या, मतलब कि शिमला में घर ही घर है, बाकी तो आपको दिखने को कुछ मिलेगा नहीं। एंड अभी चलते हैं। आधा घंटा और बुखार आ जाना, फिर आज भी दवाई खानी पड़ी गी, और फिर बेड पे ही होनी, लेटी नहीं मैं। इसीलिए अब ज्यादा बाहर ना घूमते हुए करते अपने रूम की ओर प्रस्थान। लिटरली बता रही हूँ एक चीज, मैंने ना फर्स्ट टाइम ऐसा गेटअप किया है, और मतलब मुझे नहीं पता कि मैं कैसी लग रही हूँ। मतलब मेरे को तो ठीक ठाक लग रही हूँ, मतलब नॉर्मल, ना ज्यादा भूतनी लग रही हूँ, मतलब पहुंच चुकी हूँ मैं अपने रूम।
आप में से मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं जो मेरी तरह करता है। अगर कभी हम बोलते हैं ना कि ऐसा होता है, फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं हम, तो माइंड को रिलैक्स करने के लिए, फ्रेश करने के लिए हम ऐसी छोटी 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 घूमने फिरने जाया करते हैं। तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना जो मेरी तरह करता है, मैं भी माइंड को रिलैक्स करने के लिए और फ्रेश करने के लिए ऐसे घूमने जाया करती हूँ अकेले। ठीक है, और ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये अच्छी लगी हो प्लीज 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 कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर अच्छी नहीं भी लगी हो तब भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, तब मैं थोड़ी सी चेंजेस कर दूंगी नेक्स्ट टाइम के लिए जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी हो। बाकी गाइस बाय बाय, लाइक शेयर एंड कमेंट माय वीडियो।